जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सबों का एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे थे इकोसिस्टम के अंतर्गत पिरामिड का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें संख्या पिरामिड का अध्ययन कर चुके थे। इससे आगे अभी हम लोग बायोमास पिरामिड के बारे में देखेंगे। आखिर ये बायोमास पिरामिड क्या है, अर्थात जैव भार पिरामिड किसे कहते हैं। देखिए, यह भी बहुत ही साधारण सा चीज़ है, इसे भी समझना बहुत आसान है। इसे भी दो भाग में बांटा गया है, एक सीधा जैव भार पिरामिड, दूसरा उल्टा जैव भार पिरामिड। सीधा जैव भार पिरामिड को अंग्रेजी में कहते हैं अपवर्ड बायोमास पिरामिड, और उल्टा बायोमास पिरामिड को, उल्टा जैव भार पिरामिड को क्या कहते हैं कि इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड। तो सबसे पहले शब्द को समझें क्या कि जैव भार क्या है। जैव भार क्या है कि जिस किसी पौधा हो या जीव जंतु हो, उसका जैव भार निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसको उसका ड्राई वेट लेते हैं। पहले तो उसका वेट ले लिए, फिर उसको सुखा के उसका ड्राई वेट ले लिए, और W1 में से W2 को घटा देंगे तो वो उसका जैव भार कहलाएगा। जैव भार को हम लोग ग्राम प्रति मीटर के रूप में भी व्यक्त करते हैं, इसका इकाई होता है। अब देखिए, ये सीधा पिरामिड का उदाहरण घास का मैदान है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम सीधा पिरामिड का उदाहरण है। इसको हम लोग देखें तो देखें कि यहाँ पर उत्पादक है, उत्पादक का वजन मान लिया जाए कि पौधा, एक घास का मैदान में जितना सारा पौधा है, उस पौधा को अगर काट के अगर सुखा लें, उसका बायोमास निकालें, तो मान लिया जाए कि ये 10,000 kg है। अब फिर उस पौधा को खाने वाले खरगोशों की संख्या तो कम होगी, तो जब खरगोश की संख्या कम होगी तो स्वाभाविक सा बात है कि उसका जैव भार भी कम होगा, क्योंकि संख्या ज़्यादा रहेगा तो जैव भार भी ज़्यादा रहेगा। तो ये हो गया 1,000, ये माना गया है। आप इसे दूसरा भी चीज़ मान सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकल के द्वारा आप इसे दूसरा अंकित कर सकते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ खरगोश को लिए हैं, तीसरा लोमड़ी को लिए हैं, द्वितीय उपभोक्ता जिसका जैव भार हो गया 100 kg, और जो शेर है ये सर्वोच्च उपभोक्ता है जिसे 10 kg जैव भार आया है। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि संख्या भी नीचे से ऊपर की ओर, अर्थात आधार से शीर्ष की ओर जाने पर संख्या भी घट रहा है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि इसका वजन भी घट रहा है, जैव भार भी घट रहा है। इस तरह से घास का मैदान सीधा पिरामिड बनाता है। इसके विपरीत अगर हम जलीय पारितंत्र को देखें तो जलीय पारितंत्र में क्या होता है कि पलवक अर्थात प्लैंकटॉन्स, फाइटोप्लैंकटॉन्स और जूप्लैंकटॉन्स होता है। तो फाइटोप्लैंकटॉन्स जो जलीय पौधा होता है, उसका छोटी मछली क्या करता है, अपना भोजन के रूप में आहार करता बनाता है। तो मान लिया जाए कि ये इसको खा गया कौन, प्राथमिक उपभोक्ता छोटी मछली, और छोटी मछली को खाई बड़ी मछली। तो यहाँ पर 8 g/m² स्क्वायर के हम रेंज में देखे हैं कि इसका है। तो इससे देख रहे हैं कि धीरे धीरे ऊपर जाने पर क्या हो रहा है कि जैव भार बढ़ रहा है, क्योंकि पलवक से ज़्यादा वजन किसका होगा, छोटी मछली है, छोटी मछली से ज़्यादा होगा बड़ी मछली। तो इस तरह से हम लोग देखें तो जलीय पारितंत्र का जैव भार पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। इसके और भी कई उदाहरण हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि जैव भार पिरामिड घास के मैदान का सीधा होगा, जबकि जलीय पारितंत्र का उल्टा होगा। समुद्र का भी अगर हम लोग देखें तो समुद्र में भी समुद्री जलीय पारितंत्र का अगर अध्ययन करें तो वहाँ भी बायोमास के आधार पर उल्टा बनता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अभी जैव भार पिरामिड को देखें, अब आगे हम लोग ऊर्जा पिरामिड का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आज की सेवा यहीं तक, थैंक यू।